आज शुद्ध देसी किचन पे आपको बताना है चपाती का सैंडविच कैसे बनाते हैं। चपाती का सैंडविच आप कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं। चपाती का सैंडविच आपको कैसे बनाते हैं वो बता दें यार। देखिए, थोड़ा सा आटा लिए है, ये आपको चीज घिसा हुआ है, कांदा है, ककड़ी है, टमाटर है, आलू बॉयल किया हुआ है, कैप्सिकम है और ये पनीर है। ये इसके अपन चपाती पहले बना लेते हैं, उसमें डाल के आपको रेसिपी बताएंगे कि चपाती की सैंडविच कैसे बनती है। ज़्यादा चौड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए आपको, छोट और गोल चपाती। ठीक है, हल्का हो गया, इसको पलटी कर दीजिए। तो चपाती की सैंडविच कैसे दिखा है आपको बताने जा रहे हैं, देख सीखने के लिए देखते रहिए घर पे बना के। अलग कुछ डिफरेंट खाना है तो वो बता रहे हैं आपको। ब्रेड का हमेशा सैंडविच खा रहे हैं, ब्रेड पाव ये जो है टोस्ट टाइप का, ये आटे का आपका चपाती का सैंडविच। चपाती पे हल्का सा बटर लगा लीजिए, बटर लगाने के बाद आलू आप इसके ऊपर बिछा दीजिए, इसके ऊपर ककड़ी डाल दीजिए, इसके ऊपर थोड़ा बटर डाल दिए, बटर डालने के बाद इसको चपाती के उसमें रख दीजिए। नेक्स्ट चपाती लीजिए, इसमें इसको बटर ऐसे लगा लीजिए, वापिस इसे डालेंगे तो इसके लिए आप हल्का सा काली मिर्ची, इसके ऊपर चाट मसाला एंड सॉल्ट, फिर इसके ऊपर से ये दूसरा नेक्स्ट चपाती जो है उसके ऊपर रख दीजिए। अब जो है कैप्सिकम दो पीस लेंगे, कांदा लीजिए साइड से, टमाटर लीजिए और ये जो पनीर अपन ने काट करके स्लाइस ये लेंगे, आलू जो थोड़ा सा वो डाल देते हैं फ्लेवर, फिर उसके ऊपर से ककड़ी लेंगे और इसके ऊपर से काली मिर्च पेपर पाउडर जिसको बोलते हैं, हल्का सा चाट मसाला डालिए एंड नमक। तीसरा जो चपाती है आपके पास उसमें बटर लगाइए, इसके ऊपर से ऐसे धीमी आंच में कुछ को सेकिए, थोड़ा गर्म हो गया तो देखिए ऊपर से पहले बटर डालेंगे तो आपको फैल जाएगा गर्मी से, वो जो चीज है इसके ऊपर चारों तरफ से फैला लीजिए, फिर इसके ऊपर ढक दीजिए, फिर इसके ऊपर से हल्का सा बटर। गैस पे से इसको सेक रहे तो आपको आपको टेस्टी लगे, जो स्वाद है उसे पलटी करिए। तो चपाती की सैंडविच बनके रेडी है आप लोग के लिए। इस तरह से आप काट लीजिए, वेजिटेबल चीज सैंडविच आप लोग हाजिर है रेसिपी। इसमें आप सॉस डाल के खाइए, चटनी के साथ खाइए, ग्रीन चटनी होता है। तो शुद्ध देसी किचन पे जाइए, चपाती सैंडविच देखिए, फैमिली को खिलाइए और एंजॉय कराइए। सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा।